हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? अभी मैं मॉर्निंग में अपने हस्बैंड के ऑफिस का लंच बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठ के चावल चढ़ा दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड राइस लेके जाते हैं, तो मैंने वो चढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पे सब्जी काट लूँगी, जिसके लिए मैंने एक प्याज काटा, और मैं बना रही हूँ आलू बीन्स की सब्जी और दाल। तो ये बहुत ही बेसिक सा लंच है, लेकिन ऑफिस के लिए कंफर्ट फूड है। तो मैंने यहाँ पे प्याज को मैं चॉप करके रख लूँगी, काट के रख लूँगी, और यहाँ पे मैं आलू काटूँगी, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बीन्स मैंने जो है कल मैंने धो के उसको अच्छे से काट के रख लिया। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर हम सब्ज़ी वगैरह जैसे रात में ही सोच लें कि हमें क्या बनाना है, और रात में ही जो सब्ज़ी कट करके रखनी हो अगर हम रख लें, तो इससे हमारा काम जो है बहुत जल्दी आसान हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आलू काट लूँगी। ये छोटे साइज़ के आलू है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो मैंने यही आलू लिए थे। मैं यहाँ पर 4 से 5 आलू यहाँ पे कर लूँगी, और उसके बाद मैं दाल चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी ही बनाना। मैंने सोचा तो था कि आज मैं पूरा अपना व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, बट अचानक ही ना वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो हम कहीं जा ही नहीं पाए। तो बस मैंने यहाँ पे अपना जो मॉर्निंग का जो कुकिंग व्लॉग होता है, बस मैंने आप लोगों के साथ वही शेयर किया। अब मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। मेरा मोस्टली खाना मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है। साइड में मैंने यहाँ पे राइस कर दिया है। राइस मैं पतीले में बनाती हूँ, तो उसका पानी सब अच्छे से सूख गया था, तो मैंने यहाँ तवा रख दिया। तवा गर्म हो जाएगा, उसकी भाप से भी ना चावल काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। यहाँ प्याज मेरा अच्छे से ब्राउन हो गया, मैंने यहाँ पे आलू डाल दिया। सुबह थोड़ी जल्दी जल्दी होती है, वैसे मैं जल्दी उठती हूँ, बट फिर भी मैं खाना वाना बना के सब कुछ करके ना रख देती हूँ। बीन्स मैंने रात में ही धो के अच्छे से काट के एयर टाइट कंटेनर में रख दी थी, तो मुझे ईजी हो गया, क्योंकि सुबह ना इस टाइप की सब्जियाँ कटती नहीं है, और कट जाए तो फिर अच्छे से वो चेक नहीं करी जाती कि कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। मैंने इसलिए इसको शाम को ही अच्छे से साफ करके रख लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक टमाटर डाला। अब मैं यहाँ बेसिक से मसाले डाल दूँगी, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। अब मैं इसको थोड़े बीच वाले गैस पे कर दूँगी। अगर 3 गैस हो ना, तो सुबह सुबह जल्दी से खाना बन जाता है, टाइम भी नहीं लगता, तीनों चीज़ें एक बार में ही बन जाती है। अब यहाँ इस कुकर में मैं दाल चढ़ा लूँगी। कुकर पहले मैंने अच्छे से पानी से धो लिया, क्योंकि रात में रखे हुए बर्तन होते हैं, तो सुबह मैं इसको एक बार पानी से धो लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे जब वो हो गया, तो मैं यहाँ थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, तड़का मैं एक साथ ही लगा दूँगी, क्योंकि उससे हमारा थोड़ा सा टाइम जो है बच जाता है। यहाँ मैं लाल मसूर की दाल बनाऊँगी। यहाँ मैंने तेल गर्म हो गया, प्याज डाला, जीरा डाला, सूखी लाल मिर्च डाली, और एक छोटे साइज़ का टमाटर था वो मैंने डाल दिया। अब मैं टमाटर गलने तक इसको अच्छे से भूनूंगी। उसमें मैं हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के, कि वो जले नहीं, उतना मैं इसको पानी डाल दूँगी। उसके बाद मैंने दाल वॉश करके रखी थी, मैं दाल डाल दूँगी, और इसमें ना 1 से 2 सीटी आएगी। उसके बाद जब तक ये हो रहा है मेरा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आटा गूंथ लूँगी। आटे में जब भी गूंथती हूँ ना, मैं उसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि रोटी है, जैसे अगर आप बिना सब्जी के भी खाएं तो बहुत अच्छी सौंधी सौंधी सी लगती है। गाँव में मोस्टली आटे में नमक डाल के ही बनाया जाता है। अब बस मैं आटे को ऐसे करके रख दूँगी, और बाद में जब मैं रोटी बनाऊँगी, तो उसको एक बार मैं अच्छे से और गूँथ लूँगी, तो उससे क्या होता है रोटी बहुत अच्छी बनती है। अब यहाँ जब तक मैंने आटा गूँधा, तब तक मेरी सब्ज़ी यहाँ बन के रेडी होगी। धनिया था नहीं मेरे पास, तो मैं इसमें धनिया डालती, बट ऐसे भी ठीक है। मैंने यहाँ एक सूखी सब्जी बनाई थी, और यहाँ दाल बनाई दाल। और देखिए अभी 5 बज रहे हैं, मैं उठी थी 4:30 के करीब, क्योंकि पानी वानी भर के फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था। और अभी मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई, यहाँ मेरे राइस बन गए, और अभी दाल में ना थोड़ा प्रेशर था, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पर ना मैं फटाफट से कुछ रोटी बनाऊँगी, कुछ पराठे बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पहले रोटियाँ बना ली। रोटी बनाने के बाद मैं 5 से 6 पराठे बनाऊँगी नाश्ते के लिए। और रोटी तो मेरे हस्बैंड वैसे लेके नहीं जाते, ये मैं दिन के लिए बना के रख रही हूँ, और ऐसे करके मैं अपना सारा काम कर लूँगी। और ना सुबह के टाइम पे मौसम ऐसा हो रहा था जैसे बहुत तेज़ बारिश होगी, मेरे को लग रहा था कि बारिश होगी, और काफ़ी अच्छी हवा भी चल रही थी। तो फिर मैंने जब थोड़ी देर के बाद बाहर जाके देखा, तो अभी जब मैं आप लोगों को वेदर दिखाऊंगी, तो बारिश नहीं होती। उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाहर जाके देखा, तो काफ़ी तेज़ बारिश होने लग गई थी। अब ये मैं यहाँ पे रोटियाँ सारी बना लूँगी, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं तवे पे ही रोटियाँ सेकूँ। और ये ना मेरा लोहे का तवा है, तो इसको आप ये मत सोचिएगा कि ये काला हो रहा है, ये ना ऐसे ही यूज़ करते करते थोड़ा आयरन का तवा है ना, तो ऐसे ही हो जाता है। मैंने वहाँ रोटियाँ बना के रख लिया। मैं यहाँ पे पराठे बनाऊँगी, और पराठे मैं रिफाइंड में ही बनाऊँगी, घी में नहीं बनाऊँगी। घी में जब अच्छे लगते, जब हम गरम गरम खाएं ना, तब अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल में ही पराठे बना के रख लूँगी, क्योंकि मैं 5 से 6 पराठे बनाती हूँ, तो थोड़े से बच जाते हैं। फिर वो घी वाले पराठे रखो ना, तो फिर वो बाद में अच्छे नहीं लगते, गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। मैं यहाँ पे पराठे ही बना के रख लूँगी। थोड़ी सी भी मैं यहाँ पे चाय बनाऊँगी अपने लिए। पहले मैं दाल को चेक कर लूँगी, ये थोड़ी सी ना गाढ़ी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मैं बॉयल लगा लूँगी, क्योंकि खाना तो मैं 6 या 7 बजे करीब पैक करूँगी, तो मैं इसमें बॉयल लगा लूँगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतने पराठे बनाए थे, और थोड़ी सी मैंने रोटी बनाई थी। अब मैं यहाँ पे एक टिश्यू पेपर लगा के इसको यूनी रैप के पेपर के ऊपर अच्छे से रख लूँगी, और उसके बाद ना फिर इसको मैं बंद कर लूँगी। मैं स्टील का ही डब्बा यूज़ करती हूँ रोटी के लिए, तो
तो वो सही रहता है, इसमें रोटी है ना सॉफ्ट भी रहती है। उसके ऊपर एक और टिश्यू लगा के मैं रोटी को अपनी बंद करके रख दूँगी। और यहाँ साइड पे मैंने चाय भी चढ़ा ली थी, और चाय मैं सुबह तो चाय मैं पीती ही पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है चाय पीना, तो मैंने यहाँ चाय बना ली थोड़ी सी। उसके बाद मैं आपको बाहर का मौसम दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने अपने हस्बैंड का लंच पैक कर दिया। नींबू का अचार है, रेडीमेड है। यहाँ पे मैंने चटनी, हरी मिर्च, दाल, सब्जी और राइस किया था। तो ये मेरे हस्बैंड का लंच था। ये देखिए मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ। इस टाइम तो बारिश नहीं होती, इस टाइम पूरा मौसम बना हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, वो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ, बट कैमरे में ना दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी। चलिए गाइस, ओके बाय बाय। आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरा व्लॉग कैसे लगा। ओके बाय बाय।